हेलो एवरीवन, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पीआई कैलकुलेशन का ट्रिक था कि कैसे पीआई कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आज उसका डिटेल वीडियो है कि क्यों ऐसा होता है। तो सपोज दो कंडीशंस लेते हैं हम लोग, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। एसिडिक यानी उसमें बहुत सारा एच प्लस है, और एक बेसिक मीडियम है जहाँ पे एच प्लस का अमाउंट थोड़ा कम है। तो उसमें अगर हम एक एमिनो एसिड को डाल दें, जो कि ये है, सपोज हमने एक एमिनो एसिड को डाला, तो क्योंकि सराउंडिंग में ऑलरेडी एच प्लस आयन बहुत ज़्यादा है, तो वो अमीनो एसिड क्या करेगा, अपने पास और एच प्लस लेके रखेगा। तो एन एच टू जो होता है वो अपने पास और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ले लेगा और फिर एन एच थ्री प्लस के फॉर्म में रहेगा। सिमिलरली सी ओ ओ एच, वो भी सी ओ ओ माइनस की जगह सी ओ एच फॉर्म में रहना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरमेंट में तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है अपना हाइड्रोजन डोनेट करने की, तो वो अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे। बट जैसे धीरे धीरे एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा, तब वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करने लगेंगे। जैसे कि ये पहले यूजुअली COOH अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका टोटल चार्ज हो जाएगा जीरो। जैसे हम धीरे धीरे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाते हैं, तो जब और ज़्यादा हाइड्रोजन कम होगा, मतलब जब बहुत बेसिक कंडीशन आ जाएगा, तब हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अमीनो एसिड अपना हाइड्रोजन सारा डोनेट करने की कोशिश करेगा। सी ओ माइनस तो अपना डोनेट कर ही चुका है, अभी जो एन एच थ्री अपना हाइड्रोजन पकड़ के रखा था लास्ट तक, वो भी अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है। तो ऐसा होता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में जब हम एक अमीनो एसिड को डाल देंगे, वो अपने आप को प्रोटोनेटेड फॉर्म में रखता है, लेकिन अपना हाइड्रोजन अपना पास रखता है, और जब हम थोड़ा 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 हाइड्रोजन का अमाउंट कम करने लगते हैं, या फिर जब एसिडिक से बेसिक कंडीशन की तरफ जाते हैं, तब वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करने लगता है मीडियम को कि लो लो भाई ले लो, तुम्हारे पास है ही नहीं। तो ऐसा कंडीशन होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट एमिनो एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब न्यूट्रल कैसे रिएक्ट करता है, एसिड कैसे, बेसिक एमिनो एसिड्स या फिर पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और नेगेटिवली चार्ज यानी एसिडिक एमिनो एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन में। तो ये हमने लिया है एक न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड का ये है पीके वैल्यू। पीके वैल्यू मतलब इस पीएच के आगे अगर गया तो COOH अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, मतलब 2.53 से 2.4 2.5 पे अगर हम गए तो ये अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा। ये बोलेगा कि छोड़ो छोड़ो यार, तुम तो गरीब हो रहे हो, छोड़ दो। तो यहाँ पे ये जो होता है NH2, ये एन एच थ्री प्लस के फॉर्म में होगा उस टाइम पे जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट में डालेंगे, तो ये अपना हाइड्रोजन तब लूज करेगा जब पीएच 9.6 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एनवायरनमेंट में, तब जाके ये हाइड्रोजन अपना लूज करेगा। तो अब देखते हैं हाई एच प्लस, सपोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे सब अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, ये अपना हाइड्रोजन पकड़ के बैठा है, ये भी अपना हाइड्रोजन पकड़ के बैठा है, तो इस कंडीशन में ये तब हो रहा है जब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, तो इसका चार्ज हमारा होगा नेट प्लस वन। जैसे हम हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम करेंगे, सपोज 2.3 को क्रॉस कर गए हम, पीएच 2.3 को हम लोग क्रॉस करके आगे गए 2.43 वाले पीएच पे, जहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो गया। ये सपोज पीएच 1.0 वहाँ पे था, और अभी सपोज पीएच 2.5 पे आ गए हम लोग, तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो COO माइनस अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा, क्योंकि 2.3 को क्रॉस कर गए हम, तो CO माइनस बन जाएगा ये अपना हाइड्रोजन लूज करके। यहाँ पे हमारा नेट चार्ज हो जाएगा प्लस वन माइनस वन जीरो। वैसे ही हम थोड़ा और कम करेंगे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, तो CO माइनस तो लूज कर ही चुका था, अभी जो NH3 प्लस अपना हाइड्रोजन पकड़ के बैठा था वो भी छोड़ देगा, और फिर हमारा नेट चार्ज हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर ही एक नेगेटिव है, इसका तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो बस टोटल में नेगेटिव, तो माइनस वन। अभी हम जो बोलते हैं PI, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ये जो ल्यूसीन है वो अपने जीरो चार्ज पे रहे, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2.3 को क्रॉस करते ही वो जीरो पे आ रहा है, क्योंकि 2.3 जैसे ही क्रॉस करेगा वो यहाँ पे CO नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे तो जीरो हो ही गया, बट ये जीरो कब तक मेंटेन होगा, जब तक 9.6 पीएच ना आ जाए, क्योंकि 9.6 क्रॉस करते ही NH3 अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा और इसका चार्ज माइनस वन हो जाएगा। तो 2.3 से लेकर 9.6 के ग्रेडियंट के बीच चार्ज ल्यूसिन का जीरो होता है। अब हम जब एक ग्रेडियंट में मूव कर रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि उसका एवरेज ले ले, तो इसलिए हम लोग पीआई जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका और इसका, मतलब जिस ग्रेडियंट में उसका चार्ज जीरो आ रहा है, उन दोनों पीएच के वैल्यूज का एवरेज ले लेते हैं। तो 2.3 प्लस 9.6 सम डिवाइडेड बाय 2,
तो इसका पी आई आया हमारा 5.95, तो ल्यूसीन का पी आई इसलिए आता है 5.95। सिमिलरली अगर हम चले पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की तरफ, यह है हमारा ग्रेडियंट हाई एच प्लस और लो एच प्लस का। अगर हम देखें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड का एक ग्रेडियंट में डालें जहाँ पे एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और धीरे धीरे एच प्लस कम हो रहा है, तो हाई एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन में या फिर लो पी एच में लाइसिन अपना देखो NH3 अपना हाइड्रोजन पकड़ के बैठा है, यहाँ पे NH3 प्लस है, COOH फॉर्म में है, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा +1 +1, तो +2 हो जाएगा। बट जैसे ही हम इसका पी के वैल्यू देखते हैं 2.18 है इसका COOH का इन द केस ऑफ लाइसिन, तो 2.18 जैसे ही हम क्रॉस करेंगे थोड़ा पी एच मतलब एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारा कम होने लगेगा, तो देखेंगे कि COO अपना COOH अपना हाइड्रोजन लूज करके COO नेगेटिव हो जाएगा और NH3 प्लस और ये दोनों NH3 अपना हाइड्रोजन फिर भी नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा नेट चार्ज हो जाएगा -1 +1 और ये दोनों माइनस प्लस होके जीरो और इसका एक प्लस, तो +1 नेट चार्ज आएगा। वैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ के सपोज हम 8.95 पीएच पे आ रहे हैं, मतलब और एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पीएच बढ़ रहा है मतलब एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो जैसे एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन और थोड़ा कम होने लगेगा तब ये भी अपना हाइड्रोजन लूज करेगा क्योंकि इसका पी के वैल्यू है 8.95, तो 8.95 जैसे क्रॉस करेंगे ये अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा, तो यहाँ पर नेट चार्ज हो जाएगा माइनस और इसका कोई चार्ज नहीं है तो माइनस, इसका प्लस चार्ज -+0। बट जैसे ही यहाँ पे हमारा हो गया ज्यूटर आयन फॉर्म या फिर जीरो चार्ज, अभी नेक्स्ट जब हम 10.53 पे जाएंगे जो कि इसका आइसोइलेक्ट्रिक मतलब इसका हाइड्रोजन लूज करने का पीएच है, इसको क्रॉस करते ही ये भी अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा, सॉरी यहाँ पे NH2 होना चाहिए, तो ये भी अपना हाइड्रोजन लूज करके टोटल नेट चार्ज हो जाएगा वो नेगेटिव -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रेडियंट किस किस के बीच में आ रहा है, 8.95 क्रॉस करते ही इसका जीरो आ रहा है टिल 10.53, तो इन दोनों के बीच हम लोग जो है लेंगे पी आई वैल्यू, तो 8.95 प्लस 10.53 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9.74, तो इसका पी आई ऐसे निकलता है। इसीलिए जब हम पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स लेते हैं तो जो हायर दो वैल्यूज हैं उन दोनों को लेकर चलते हैं, क्योंकि पहले पे जब हटेगा तब +2 से बस +1 आएगा, क्योंकि ये +-0 होके इसका +1 होगा तो +1 चार्ज होगा, बट जब ये अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा तब इसका और इसकी वजह से जीरो आ रहा है, इसलिए हम हाईएस्ट दो वैल्यूज को लेकर उसका एवरेज निकालते हैं। अभी चलते हैं एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड यानी एस्पार्टिक एसिड की तरफ, तो उसको भी जब हम हाई एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे या फिर लो पीएच में रखेंगे तो सारे COOH, COOH, NH3 प्लस है, सब अपने हाइड्रोजन पकड़ के बैठे हैं, इसका नेट चार्ज हमारा +1 दिख रहा है क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका बस प्लस चार्ज है तो +1। बट फिर हम जब आगे जाएंगे पीएच 1.8 क्रॉस करेंगे, पीएच 1.8 इसका ऐसा मतलब इसका एच प्लस लूज करने का पीएच है, ये जो साइड वाला COOH है उसका, तो यहाँ पे 1.88 क्रॉस करते ही COO नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका नेट चार्ज हमारा हो जाएगा जीरो क्योंकि +1 -1 जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब हम 3.65 पीएच क्रॉस करेंगे मतलब इसका पीएच जब क्रॉस करेंगे 3.65 क्रॉस करते ही ये भी अपना हाइड्रोजन लूज कर लेगा, पहले हमेशा COO अपना हाइड्रोजन लूज करता है, NH3 थोड़ा लेट करता है, तो ये लूज किया फिर ये लूज करेगा, इसके लूज करने की वजह से ये जब अपना हाइड्रोजन छोड़ देगा तो COO नेगेटिव और ये COO नेगेटिव -2 -2 और ये एक अपना हाइड्रोजन पकड़ कर बैठा है तो +1, तो टोटल हो गया -1, तो यहाँ पे हमारा आ गया -1 चार्ज। वैसे ही 9.6 पीएच जब हम क्रॉस करेंगे तो अब ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा और फिर ये बन जाएगा NH2 और नेट चार्ज हमारा आ जाएगा -2। यहाँ पे अगर हम देखें तो जीरो हमारा आ रहा है बिटवीन 1.88 to 3.6, इन दोनों पीएच के बीच हमारा अज्यूटराइन फॉर्म आ रहा है, तो इसका हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लेंगे जो कि आ जाएगा 1.88 प्लस 3.65 का सम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2.765 या फिर 2.77। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं लाइक इन डिटेल कि पीआई कैसे हम पता करते हैं कि किन दो वैल्यूज को लेना है। इसीलिए एसिडिक चार्जेस में हम दो छोटे चार्जेस को लेते हैं लोएस्ट दो वैल्यूज और बेसिक अमीनो एसिड्स या फिर पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड में दो लार्जर वैल्यूज को लेते हैं। अभी अगर डिफरेंट पीएच पे पूछ दे कि चार्ज क्या होगा किस अमीनो एसिड का, वो भी हम कर सकते हैं अगर हमें पीआई पता हो, पीके पता हो। सपोज हमें बोला है पीएच
फोर पे चार्ज क्या होगा एस्पार्टिक एसिड का। तो हमें पता है कि 3.65 तक, 3.65 जैसे ही क्रॉस करेगा ये अपना हाइड्रोजन लूज कर चुका होगा, ये अपना हाइड्रोजन लूज कर चुका होगा। तो ये दोनों अपना हाइड्रोजन लूज कर चुके होंगे और इसने नहीं किया होगा क्योंकि ये 9 क्रॉस करने के बाद करता है यूजुअली। तो इसको छोड़ो, इन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव होगा और इसका प्लस होगा, तो प्लस माइनस जीरो और इसकी वजह से एक नेगेटिव। तो टोटल नेट चार्ज होगा एस्पार्टिक एसिड का -1 में। वैसे अगर बोले एट pH 2, तो pH 2 पे 1.8 क्रॉस कर चुका है, pH 2 पे बस इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया है, इसने अपना हाइड्रोजन पकड़ के बैठा हुआ है, तो इसका +1 -1 जीरो और इसका तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज हो जाएगा जीरो। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं चार्ज इन डिफरेंट pH या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर बोला हो तो। तो बस ट्रिक के हिसाब से देखें तो एसिडिक के लिए 2 लोएस्ट चार्ज और बेसिक के लिए 2 हाईएस्ट पीएच को, पीएच का एवरेज निकाल लेना है, पीकेए का एवरेज। एक्चुअली पीकेए ऑफ जो भी दो वैल्यूज के दिए होंगे, इधर एनएच3 का या फिर सीओएच का या फिर साइड चेन में से किसी का।